हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AW08। यार अपने साथ रहने वाली ऑल न्यू क्रेटा, वो भी इसका टॉप वेरिएंट रहेगा, SX ऑप्शनल IVT, दैट मींस ऑटोमेटिक के अंदर रहने वाली है ये गाड़ी। और पेट्रोल के अंदर इसके अंदर क्या पावर फिगर्स हैं, क्या इसका इंजन चेंज हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में, इसका एक्सटीरियर कम्प्लीटली क्या डिज़ाइनिंग चेंज हुई है उन सब के बारे में, और इंटीरियर में जो खासकर सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, तो अगर इसकी कीमत की बात करोगे आप लोग, तो ये 18,70,000 IVT के अंदर एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और अगर आप ऑन रोड की बात करोगे तो लगभग यहाँ मेरठ के अंदर ये 22 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ जाएगा। दैट मीन्स 22 लाख रुपए देके इसे घर लेके जाया जा सकता है। तो भाई नई वाली क्रेटा के अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है वो सब जान लेते हैं। ये सिर्फ फेसलिफ्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर क्या क्या कुछ चेंज है। तो ये सबसे अच्छी चीज जो मैं दिखाऊंगा आपको, वो जो ऑब्वियसली आप देख भी रहे होंगे, इसका फ्रंट। तो ये गाड़ी पहले से कंपैरेटिवली पुरानी प्रीवियस वर्जन से ऊंची लग रही है। अब इसके अंदर एक चीज ऐड हुई है, एडास। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो रडार बेस्ड एडास इसके अंदर आपको मिल गया है, जो सिर्फ दो वेरिएंट्स के अंदर ही मिलेगा। SX टेक, इसके अंदर एक टेक वेरिएंट है, और SX ऑप्शनल, जो ये आपके साथ इस समय है, तो दो में ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 360 कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जो न्यू फीचर एडेड है। काफ़ी बोल्ड और अच्छी ग्रिल मिल रही है, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो वेन्यू में ही चीज़ पैटर्न यूज़ किया गया था ना, वैसा ही कुछ है। और कनेक्टिंग फ्रंट में लाइट, तो ये भी DRL जो हैं बहुत ही सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर मिलेंगे, ये सिक्वेंशियल है, मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे चलेंगे। तो बाकी नीचे की तरफ आपको ये पूरा LED का सेटअप मिलेगा, ठीक है। क्वाड चैम्बर है ये, क्वाड मतलब 4 1 2 3 4, कम्प्लीटली LED का है। और ये इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि फॉग लैम्प का झंझट खत्म हो जाए। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, जो 1 2 3 4, तो मतलब सेफ्टी में भरपूर तरीके से काम किया गया है, बेसिकली फीचर्स देने में। नीचे प्रॉपर स्किड प्लेट है, और जो इसका एडास है इसके अंदर 19 फीचर्स एडेड हैं, सेफ्टी फीचर्स। तो उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पे पूरा जो बोनट है इसमें ये क्रीजेज ऐड करी गई हैं, जो इसको फ्रंट के लुक को काफ़ी अच्छा बना दे रही हैं। और फ्रंट में क्या कुछ है जब आप यहाँ नोटिस करोगे ना, तो ये है कैमरा बेस्ड। आते हैं साइड प्रोफाइल में, गाड़ी का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अंदर एक कलर और आ रहा है जो जनरली आप लोग देख रहे होंगे, वो ग्रीन ग्रीन सा। पूरी प्रॉपर क्लैडिंग्स हैं, और यहाँ पे सिल्वर क्लैडिंग्स दे रखी हैं, कहीं ना कहीं अच्छा लुक दे रही हैं। ये हैं इसके अलॉय, ऑल 4 डिस्क ब्रेक जो इन्होंने पहले ही डाल दिए थे, अभी भी बेस वेरिएंट से आपको ऑल 4 मिलेंगे। अलॉय का जो पूरा लुक है ना, वो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाएगा। 215/60R17 की प्रोफाइल है, बाकी गैप वगैरह भी ऑब्वियसली ठीक ही है। ऑटो की बैजिंग मिल जाएगी, ये ORVM, इसके नीचे 360 कैमरा, टर्न सिग्नल, ये ऑटो फोल्ड ORVM, दैट मीन्स चाबी से आप अनलॉक करोगे लाइकवाइज इस तरीके से, तो ये आपके अनफोल्ड हो जाएंगे, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। बीपलर जो हैं वो ब्लैकआउट हैं, गाड़ी ही ब्लैक है, तो भाई इसमें तो ब्लैकआउट ही दिख रहे हैं। बाकी साइड में मुझे सच कोई खास चेंज नोटिसेबल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप ये वाला पैटर्न देखोगे ना, तो ये एज इट इज़ सेम लग रहा है। ऊपर यार रूफ रेल्स हैं, और इस पर आपको ये वार्निंग दे रखी है कि भाई इस पर लोड अप्लाई मत करना। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है जो पहले भी आती थी, और शार्क फिन एंटेना। तो साइड्स तो लगभग ऐसा कुछ सेम सा ही हो जाता है। और अब बात करते हैं इस रियर की, तो यार रियर से गाड़ी पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, वो भी इस लाइट के सेटअप की वजह से। ये LED लाइट का सेटअप है, ये पूरा यहाँ से उस कॉर्नर तक कनेक्ट होता है, और नीचे इसमें ये इंडिकेटर्स दे रखे हैं। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, 1 2 3 3 डॉट वाले ही दे रखे हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, और इधर आपको ये पूरी स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की, और रिवर्स लैंप इस बार यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस कर रखा है। आई थिंक कुछ यूनिकनेस लाने की चीज़ थी कि कुछ यूनिक लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा पंच में बेस वेरिएंट्स में आता है, तो ऐसा कुछ इसमें इंट्रोड्यूस किया है। इधर की तरफ यार आपको कैमरा मिल जाएगा, और हुंडई का लोगो जो है ये इंटीग्रेटेड है, कोई छुटा के लेके नहीं जा सकता इसको। क्रेटा की बैजिंग हो जाएगी, और इधर SX वेरिएंट, SX ऑप्शनल है ये, उसमें भी आपको SX मिलेगा, और इसमें भी SX मिलेगा, बाकी नीचे वाले वेरिएंट में कोई भी बैजिंग नहीं मिलेगी। और ये आपका वाइपर है, डिफोगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप की जो ओवरऑल पूरी लंबाई है ना, वो काफ़ी बड़ी कर दी गई है। और ये है इसका स्पॉइलर। तो भाई लुक
काफी अच्छा है। अब भाई अंदर स्पेस कितना बसता है, तो स्पेस एज सच इसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। नीचे तरफ इसमें स्पेयर व्हील है और ये आपका 205/65R16 एज यूजुअल एक साइज छोटा टायर है। 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं इसके अंदर, ये शेल्फ है और भाई यहाँ पे वूफर दे रखा है और इधर आपको लाइट मिल जाती है। नीचे यहाँ पॉकेट है, सेम है, इधर हल्का सा स्पेस है। भाई देखो सामान रखने में ना कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आने की है, ऊपर पूरी प्रॉपर क्लैडिंग है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये पूरा जो इंटीरियर पार्ट है ना ये ग्रे कर दिया गया है, ना तो डार्क ब्लैक है ना कोई दूसरे कलर में है। बाकी यहाँ पे ये प्रॉपर हैंडल हो जाता है और ये कर दो बंद। तो भाई पीछे से गाड़ी और आगे से गाड़ी जो चेंज करी है ना वो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस वाली से ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो अब चलते हैं नई क्रेटा के इंटीरियर में, सबसे पहले इसकी ट्रिम देखेंगे। तो भाई ये कुछ है डुअल टोन के अंदर ट्रिम, देखने में सच मुझे चेंज वैसे नहीं लग रही है, बट कलर है ये ग्रे कलर। इधर आपको लेदर है, ये आपका प्लास्टिक है और एक चीज़ अगर यहाँ पे देखी जाए तो हाँ यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा है ना, चाइल्ड लॉक यहाँ पे दे रखा है। विंडो का स्विच हो गया, सिल्वर डोर हैंडल हो गया और भाई ये गर्मियों का दाता गर्मियों का दाता इसलिए इधर नीचे कर दो और इसको गर्मियों में धूप में ऊपर कर लो तो भाई बचा के रखता है। तो ये कुछ है ट्रिम। इधर बोस का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी स्पीकर की, नीचे ये सिल गार्ड टाइप्स दे रखा है, इधर पॉकेट है और उधर भी आपको पॉकेट मिल जाएगी। स्पेस एज यूजुअल भाई जो पहले आता था, अंदर दिक्कत परेशानी बैठने में तो नहीं आने की ना कंफर्ट में आने की है। और सीट्स पूरी लेदर की हैं, यहाँ पे भी यार ये ग्रे कलर का यूज़ किया गया है और ऑरेंज स्टिचिंग का यूज़ किया गया है, परफोरेशन के साथ है। पीछे वाली ना वेंटिलेटेड नहीं होती हैं लेकिन आगे वाली वेंटिलेटेड मिलेंगी आपको। और ये जो भाई कुशन मिलता था ना पहले टॉप वेरिएंट में वो इसमें भी मिल रहा है। सेंटर में अभी कोई हेडरेस्ट वगैरह ऐड नहीं करा गया है, इनकी वेन्यू में तो आता है बट यहाँ पे कोई ऐड नहीं करा गया है। इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा और सीट्स का डिज़ाइन मुझे चेंज लग रहा है, बाकी पाइपिंग भी ऑरेंज है और इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, दो स्टेप तक रिक्लाइन हो जाएगा बेसिकली, मतलब थोड़ा सा ना कन्वीनियंस के लिए है। यहाँ पे देखो पीछे स्पेस दे रखा है तो इतना ये रिक्लाइन हो सकता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हो गई, ये सेंटर वाली, इधर वाली और उधर वाली, और आगे वाली भी रहेंगी, बट आगे वाली जो है ना हाइट एडजस्टिंग है या नहीं वो देख लेते हैं। तो हाँ भाई हाइट एडजस्टिंग भी दे रखी है, ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत काम आती है ये भी छोटी हाइट अगर हो तो उस कंडीशन में। सीट मुझे कंफर्टेबल लग रही है, बाकी रिक्लाइन जो सेकंड स्टेप पे कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा लग रहा है। बाकी हाँ स्पेस आपको कुछ इतना दिख रहा है जो ऊपर दिखाई दे रहा है, सेंटर में दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंटर में आप नोटिस करोगे तो दो आपको सॉकेट मिल जाएंगे, इधर आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, ये भी गर्मियों का दाता है पीछे वालों के लिए, पॉकेट्स वगैरह प्रॉपर हैं। अच्छा ये चीज़ अच्छी कर रखी है, देखो इधर भी है और इधर भी है, जनरली इधर ही देखने को मिलता है। और एक चीज़ और है, ये वाला पार्ट जो है ना ये आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, लेदर नहीं है इसके अंदर, तो मजबूती कह लो या फिर भाई ओवरऑल एक अच्छी चीज़ कह लो, ये इसके हेडरेस्ट हैं। एक चीज़ है, जैसे मैं पीछे बैठा हूँ तो पीछे वाली सीट ना थोड़ी ऊंची है तो मुझे ना आगे विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आने की, अदरवाइज़ ये इतने ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं ना तो पीछे बैठने वाले को आगे का दिखाई नहीं देता, सेम इधर के लिए। और सबसे प्यारी चीज़ है जिसको भाई नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, 10 out of 10 मैं दूंगा मतलब बेसिकली, तो ये इसका इंटीरियर बहुत ही क्लासिक इंटीरियर लग रहा है, लेकिन ये आपको कुछ ही वेरिएंट्स में मिलेगा अभी बताऊंगा मैं। ऊपर आपको पूरी सनरूफ है पैनोरामिक, मुझे ऐसा लगता है जो सिंगल पेन सनरूफ है ना उससे अच्छी पैनोरामिक सनरूफ होती है, बाकी अपनी राय यार आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो जी अब चलते हैं अंदर, यहाँ से आप सिंपल इसको अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड है। अब ड्राइवर साइड एक चीज़ और बहुत अच्छी दी गई है वो मैं दिखाऊंगा अभी, पहले यहाँ देख लो ये कुछ डोर ट्रिम है, सारे विंडो के कंट्रोल्स, ये आपका विंडो लॉक हो जाएगी, ORVM के कंट्रोल्स, ठीक है ये सब चीज़ मिलती हैं, ट्विटर स्पीकर बोतल की प्लेसमेंट, ठीक है वो सब, ये सब चीज़ें हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये बटन्स वगैरह, 8-way पावर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं इसके अंदर, जिसमें आपकी ये दिख रहा है आपको हाइट हो रही है, ये भाई डाउन हो गया, आगे पीछे, ये आपका हो गया रिक्लाइन, और ये हाइट के साथ साथ ना वो भी है बेसिकली थाई सपोर्ट को अप एंड डाउन करने के लिए। ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट है जैसे मैंने बताया, प्रॉपर डेड पेडल दे रखा है,
इधर ये फ्यूज बॉक्स हो गया, यहाँ पे ये कंट्रोल्स हो गए कुछ, जिसमें कि आइडल स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप। वाओ, इसकी सराउंडिंग्स देख रहे हो, ब्रोंज के अंदर है, ये प्यारी लग रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट अच्छी लगती हैं। ट्रैक्शन ऑन ऑफ, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ। अच्छा हाँ, ये फ्रंट जब रियर में देते हैं ना तो ये बटन जरूर देते हैं, और हेडलाइट लेवलिंग। बाकी एसी वेंट्स की भाई पूरी पोजीशनिंग चेंज हो गई है, और साथ के साथ लुक भी चेंज हो गया, इंटीरियर कम्प्लीटली चेंज हुआ है इसका। और यहाँ पे ना ये आपको मैग्नेट दे रखी है, कुछ छोटा मोटा टांगना हो ना तो वो यहाँ पे टांग सकते हो, जैसे मैग्नेट वाले भगवान जी हों या फिर कुछ भी, मतलब यार बहुत हैवी कुछ नहीं टांगना, बट इस तरह का कुछ दे रखा है। ये नया है, कुछ पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। और सीट्स की कुशनिंग वगैरह ओवरऑल अच्छी हैं। अब चलते हैं अंदर। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, जो यार कम्प्लीटली चेंज है। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये इस तरह की मिल जाएगी जो पहले भी आया करती थी। और ये कुछ है यार इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें कि ये फ्लैट बॉटम हो गया, फोर स्पोक हो गया, ये सारे कंट्रोल्स हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल और भाई एडास रिलेटेड लेन असिस्टेंट वो सब। इधर ही आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इधर आपको ऑटो हेडलैम्प्स। ये स्क्रीन देखो आप, पूरा कनेक्टिंग वाला पैटर्न, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी डैशबोर्ड का साइज़ भी थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है देखने में, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये अच्छी लग रही है देखने में। इधर आपको डुअल जोन एसी मिल जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो ये है पूरा कम्प्लीटली डिजिटल। अच्छा, ये भी चीज़ जो है ना ये सिर्फ आपको टॉप वेरियंट में देखने के लिए मिलेगा, 10.25 इंच वाला। बेसिकली कम्प्लीटली डिजिटल है ये। यहाँ पे आप नोटिस अगर आपको हो रहा हो तो देख लो, जिसके अंदर 240 की स्पीड लिमिट है, ये भी डिजिटल है। शिपिंग मोड मतलब शो हो रहा है बेसिकली, इधर टैकोमीटर वगैरह और बाकी अदर सब चीज़ें इधर देखने के लिए मिलेंगी। सेंटर में आपको अपनी कार दिखाई दे रही होगी, चलो इसको एडजस्ट भी करके देख लेते हैं। कार का पीछे वाला डोर ऑन है, ये आपका टैकोमीटर आ गया, एडजस्ट हो रहा है यहाँ से, और इधर का डोर खुला है वो आपका शो हो गया इधर की तरफ। तो कम्प्लीटली यहाँ पर सारी वार्निंग्स आपको दिखने वाली हैं। सेंटर में 10.25 इंच की ही टच स्क्रीन है। ये टच स्क्रीन जो है ये आपको SX, SX Tech और SX ऑप्शनल में देखने के लिए मिलेगी। टच एंड फील तो अच्छा है भाई इसका, ये मैप खुला हुआ है, बाकी ये पूरा कंप्लीट हो गया। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो वायर्ड ही रहेगा, वायरलेस होना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स, और ये है डुअल जोन एसी। ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है यार डुअल जोन एसी के अंदर, और पूरा कम्प्लीटली न्यू पैनल है। और ये जो चीज़ आप नोटिस करोगे ना, ग्लोसी ब्लैक, अदरवाइज ये मैट में आता था पहले, अभी ये सुंदर लग रहा है देखने में। टाइप सी का, टाइप ए का, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग, और ये इसका गियर नॉब हो गया, ऑटो होल्ड और पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट्स, ये ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड जो है ये आपको ऑटोमेटिक में मिलेंगे, और इधर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिनकी डेप्थ अच्छी है। और भाई ये स्लाइड नहीं होता, लेकिन ये आर्म रेस्ट हो जाता है। स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। और इधर आपको एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आप देखो दिख रहा है, तो भाई एम्बिएंट लाइट है। और यहाँ पर ये सॉफ्ट टेक्सचर्ड टाइप से ये एसी वेंट्स हैं, बेसिकली वो हैं, ये सिर्फ आपको डिजाइनिंग एलिमेंट्स हैं। और इधर आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। तो कम्प्लीटली ये अंदर का लुक चेंज है। यहाँ पे ऊपर की तरफ यार ये टिकट होल्डर है, इधर कोई मिरर वगैरह नहीं दे रखा। लाइट्स हो जाती हैं, ये एलईडी के अंदर हैं, और ये आपकी सनरूफ है। तो भाई देख लो आप, पैनोरामिक सनरूफ, और ये खुल भी काफ़ी अच्छी जाती है, जो यहाँ तक पूरी खुल जाएगी देख लो धीरे धीरे। बाकी ये सेफ्टी मैश हो गया, हवा को भी ये दूर को करता है, बेसिकली एरोडायनामिक्स में काम आता है। तो ये कुछ हो गया, इसको बंद कर दो, ये कम्प्लीटली आपका हो गया। सेंटर में आपको ऑटो डिमिंग IRVM ये भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इंटीरियर एक्सटीरियर सब कवर हो गया है। सेफ्टी फीचर्स में 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आपका व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट, और भाई एडास जो सबसे इम्पोर्टेंटली ऐड हुआ है। ये सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, और भी लिस्ट काफ़ी लंबी है इसकी, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो चलो ये एक बहुत ही चीज़ है। इंजन की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर वही पुराना 1.5 लीटर है, 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क, यानी कि 115 PS, 144 Nm का टॉर्क, ये सब इसके अंदर आपको मिलेगा। इंजन ऐसा कोई चेंज नहीं है, फिर भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है। बाकी जो फीलिंग है इस गाड़ी के अंदर, बेसिकली इस इंटीरियर की कैबिन की, वो अच्छी आ रही है। ये वाला जो कम्प्लीटली पैटर्न है ना भाई, अगर कोई फीचर लवर है और उसको टेक लवर है तो उसको बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पे बैठ के। स्टीयरिंग व्हील जो है ये लेदर रैप्ड है, और इसमें ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स भी दे रखे हैं,
बाकी हाइट है मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों रहेगा ये। इल्यूमिनेशन के साथ सारे बटन्स वगैरह हैं, तो ओवरऑल ये हो जाता है। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है ना तो लाइक कर दिया करिए, और नहीं आती हैं तो डिसलाइक कर दिया करिए, कुछ तो करो, लाइक एंड डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन करा जरूर करो, मतलब ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। और अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करो, उससे भाई मेरा फायदा है थोड़ा सा कि मुझे रीच मिलेगी, और आप लोगों का सपोर्ट कहीं ना कहीं इसी से मैटर करेगा। बाकी भाई ये था आपके सामने इसका रिव्यू, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए खूब खूब, बाय बाय, टेक केयर।